बिस्म लर महम स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं टोटल मार्क्स हैं 40 जिसमें के फाइव मार्क्स कंपलसरी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन के फाइव मार्क्स कंपलसरी हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पोर्शन के फाइव मार्क्स हैं इन पेज उर्दू के और टेन मार्क्स सी प्रोग्रामिंग के हैं जिसमें तीन कोड आएंगे आपको आपने दो लिखने होंगे नॉर्मली सारे बच्चे सिर्फ सी प्रोग्रामिंग करते रहते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर मेहनत नहीं करते सब की इक्वल इंपॉर्टेंस है फाइव मार्क्स का वाइवा है जो कि नॉर्मली ग्रुप में ही कर लिया जाता है टीचर आके कंप्यूटर पे ही देख लेते होते हैं और फाइव मार्क्स आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के हैं तो चले आए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं बेसम स्टूडेंट्स एक्सेल के अंदर टोटल टेन प्रैक्टिकल्स आपके बुक के अंदर शामिल हैं जिसके अंदर सब पार्ट्स भी काफ़ी सारे हैं लेकिन इस इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एस पेपर सॉल्व करके दिखा दूँ जो एस के एग्जाम में आपको मॉडल पेपर दिया गया है आपको इस तरह का एक टेबल उसमें टाइप टाइपशुदा गिवन है और आपने सबसे पहले क्या करना है एक शीट क्रिएट करनी है शीट क्रिएट करने का तरीका यही होता है जब आप खोलें फाइल ओपन कर, करें और यहाँ से एक न्यू शीट ओपन कर लें और ये बैंक आ गया आपने ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर लिया डबल क्लिक तो ये आपकी नई शीट ओपन हो जाती है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ओपन थी तो ज़्यादा इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है ये देखें इस तरह से फिर आपने क्या करना है शीट के अंदर ये चीज़ें टाइप कर लेनी है जिस भी सेल के अंदर रखेंगे वहाँ जाके टाइपिंग शुरू कर दें ठीक है आपने ये देखें कि ये जो ये वाली रो रो है जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव ये वाला कॉलम ये ऑलरेडी टाइपड होता है आपने सिर्फ ये टाइप करना है ये ए बी सी डी ई एफ जी ये कॉलम्स के नाम होते हैं और यहाँ पे रो के नाम है वन टू थ्री फोर किसी एक खास सेल का नाम देखना हो तो आप मिसाल के तौर इस मिसार क्लिक करें तो इस सेल का नाम है सी थ्री ठीक है यानी कि सी कॉलम है और थर्ड रो है इसका अगर आप नाम वैसे चेंज करना चाहें सी थ्री की जगह नाम मेरा ख्याल से लिख देते हैं Uh, कोई भी नाम रख देते हैं शर अली रख देते हैं ठीक है तो इस सेल का नाम चेंज हो जाएगा अभी देखें अली हो गया इसके अलावा किसी और सेल के ऊपर जाएंगे ये देखें ये दोबारा सी फोर आ जाता है लेकिन फ़िलहाल हम क्या करते हैं उसको दोबारा वही नाम रहने देते हैं सी थ्री इस शीट को जब आप लोगों ने रख लिया आप देखें चार स्टूडेंट्स हैं इनके नाम नंबर्स हैं मैथ्स में साइंस में कंप्यूटर में इंग्लिश में सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा लेआउट सही करते हैं इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसको सेंटर अलाइन करते हैं क्योंकि टेबल खूबसूरत नजर आना चाहिए ये देखिए ये टोटल मार्क्स का कॉलम जो है ये आउट जा रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग इसको जो है हम लोग फॉर्मेट सेल में जाते हैं और रैप टेक्स्ट करते हैं ये भी आपका सवाल आता होता है रैप टेक्स्ट करके दिखाएं या मर्ज सेल मर्ज सेल फिलहाल नहीं करते इसको रैप टेक्स्ट किया ताकि एक खाने के अंदर पूरा आ जाए इन सारों को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसको सेंट्रल लाइन ऊपर वाला भी कर ताकि बीच में खूबसूरत लगे अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे ऐसा फार्मूला लगाना है जो कि अली के टोटल मार्क्स को कैलकुलेट कर ले तो वो सम का फार्मूला है इज इक्वल टू सम एस यू एम ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे पहला नंबर कौन सा होना चाहिए सिक्सटी फाइव और फिर शिफ्ट और राइट एरो की मदद मतलब से मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ अब यहाँ चारों सेलेक्ट हो गए अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो सम कर रहे हैं C2 से F2 तक ठीक है एंटर कर दिया अब आप देखें इन चारों को इसने सम कर दिया थ्री हंड्रेड एंड अब यही फार्मूला नीचे वाले तीर में टाइप करना थोड़ा लंबा काम है आपने यहाँ पे अपने कर्सर को जब लेकर आते हैं लोअर राइट पोर्शन पे इसके तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं यहाँ से आपने इसको पकड़ के यूँ नीचे ड्रैग कर लेना है ठीक है तो ये चारों के अंदर वैल्यू आ जाएगी ये देखिए मैं अभी करके दिखा दूँ इस तरीके से चारों के अंदर वैल्यू आ जाएगी अब आप देखें कि ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है ये वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया अब आना है क्रिएट बार चार्ट ऑफ द शीट मतलब आप एक नंबर का आपको शीट क्रिएट करना आती थी आपने सेल्स के अंदर वैल्यू डाल दी फिर उनको जी थ्री से जी फाइव के अंदर खींच के आगे ऐड कर लिया अब आपने क्रिएट करना है बार चार्ट बार चार्ट कैसे करते हैं इस सारे को सिलेक्ट करेंगे आप और इंसर्ट में जाएंगे आप देखिए मुख्तु किस्म के चार्ट हैं आपको चाहिए बार चार्ट बार चार्ट पे आप गए और आपने आके यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा खूबसूरत बार चार्ट सेलेक्ट कर लिया जैसे कि ये ये देखें ये आपका बार चार्ट बन गया जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के नाम हैं मिसाल के तौर पर जहाँ जहाँ पे पिंक है ये पर्पल है ये है एहसन का ठीक है और आ, अभी एहसन के टोटल मार्क्स कितने अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर अंदाज़ा लगाना पड़ रहा है कि तीन सौ कुछ तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को थोड़ा डबल क्लिक करें और यहाँ से कौन सा फॉलअप फॉर्मेट चूज़ कर लें जिसके आगे कहीं पर लिखा हुआ भी आ रहा हो जैसे ये अभी आप देखें इसका सामने लिखा हुआ भी आ रहा है हम थोड़ा सा खुला कर देते हैं इसको और यहाँ से खींच के थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि ईजी नजर आए अब आप देखें ये सारे के सारे ईजीली नाम और नंबर नज़र आ रहे हैं टोटल मार्क्स इसके तीन सौ तीस हैं इसके मुनीर के टोटल मार्क्स थ्री हंड्रेड एंड फाइव हैं ठीक हो गया इसी तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जो कि एस एल ओ बेस्ड है लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में सामने नज़र आती होती हैं आपने सॉर्टिंग करनी होती है सॉर्टिंग क्या है कि या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा अभी हम देखते हैं कि मैथ्स के अंदर ठीक है मैथ्स के अंदर जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो हम लोग पहले सॉर्ट करना चाहते हैं तो कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं सॉर्ट बाय मैथ्स मैथ्स में लार्जेस्ट टू स्मॉल उसके जैसे ज़्यादा नंबर हैं सबसे पहले वो आए ये देखें सबसे पहले नाइन्टी वाला फिर एटी नाइन वाला फिर सेवेंटी सेवन फिर सिक्सटी फाइव इसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग टोटल मार्क्स की शॉर्टिंग करें फ्रॉम लेस टू हायर तो यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में चले गए और अभी आ गए टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स के अंदर आए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सबसे कम टोटल मार्क्स हैं साकिब के उससे ज्यादा हैं अली के उससे ज्यादा मुनीर के उससे ज्यादा एहसन के अब हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीखनी है तो मैं इधर ही आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप लोगों ने यहाँ पे आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आए न्यू रेल रूल के अंदर आए फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू हमें लाइक like बच्चे चाहिए कि लाइक like बच्चे कौन से ग्रेटर दैन नाइन्टी जब हो यहाँ पर नाइन्टी लिख लेंगे और फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो हमें ग्रीन कलर का नज़र आए बोल्ड ताकि फ़ौर ही हमें पता चल जाए कि ये वाला नाइन्टी से ज़्यादा है अब ये देखें सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी इसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने नंबर सेलेक्ट करने थे जो जो नंबर वाला है ये देखें इसी तरह सिखलाई भी हो जाती है कि आपने सिर्फ नंबर के ऊपर रूल लगाना है न्यू रूल फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ऐटी नाइन कर लेते हैं ताकि नाइन्टी नहीं एटी नाइन से बड़ा नाइन्टी तो होगा ख़ुद ब खुद और हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ग्रीन और ओके करेंगे इसको ओके अब आप देखें जहाँ जहाँ नाइन्टी से ज़्यादा नंबर हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए ठीक है और ये वाला आप देख लें तो ये तो सारे के सारे टोटल तो, तो, तो हाई होने ही था क्योंकि ये नाइन्टी से ज़्यादा ही है अभी आगे आप लोगों को एक अगर सम एवरेज वगैरह के फार्मूले भी मालूम ज़रूरत पड़ सकती है एवरेज क्या चीज़ होती है इज़ इक्वल टू जब भी फार्मूला लिखना होता आपने इक्वल टू जरूर लिखना होता है एवरेज करेंगे हम लोग और ब्रैकेट ओपन किन की एवरेज निकालनी है इन चारों की तो इन चारों को सिलेक्ट कर लिया ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे तो ये देखें थ्री हंड्रेड दे एंड नाइन पॉइंट टू फाइव इसी तरह अगर इन चारों का प्रोडक्ट लेना है तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन इन चारों को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और इन चारों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और जो बहुत लंबा चौड़ा नंबर आ गया अभी हम चाहते हैं बाकायदा अपने प्रैक्टिकल्स की लिस्ट की तरफ स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको पता है ओपन कर लेना है फाइल से क्रिएटिंग अ वर्क बुक फाइल न्यू जब ओपन करेंगे तो वो वर्कबुक ओपन हो रही होगी सेविंग कैसे करना है ओपनिंग व्यूइंग इन डिफरेंट वेज डिफरेंट वेज में व्यू करने के देखें ये कौन सा वे व्यू है, है? नॉर्मल व्यू ये पेज डे व्यू हम पेज डे व्यू देखते हैं ये पेज डे व्यू आ गया और ये पेज ब्रेक व्यू आ जाएगा ठीक है तो हम लोग फैल नॉर्मल व्यू में चले जाते हैं अपने वापस ठीक है जूम लेवल किस तरह चेंज करना है ये देखें आपको एक जूम बार नजर आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करके जूम कर सकते हैं और वापस ला के छोटा कर सकते हैं ठीक है जूम इन जूम आउट ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ नॉर्मल साइज नहीं रहता हूँ फिर क्लोजिंग एग्जिटिंग आप लोगों को पता है कि यहाँ से आपने फाइल के ऊपर गए हैं और अगर क्लोज करना है तो क्लोज़ कर लें और एग्जिट प्रोग्राम से ही निकल जाना है तो यहाँ पे एग्जिट कर लें फिलहाल हम दोनों नहीं करना चाहते तो हम लोग एस्केप कर लेते हैं क्रिएटिंग वर्कशीट एक वर्कशीट नई बनानी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो नई वर्कशीट आ जाएगी ये देखें इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ नई वर्कशीट आ गई फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मैं डिलीट कर देता हूँ राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया बिल्कुल सिंपल जिस तरह वर्ड यूज़ हो रहा होता है उसी तरह ये भी यूज़ हो रही है ठीक है चेंजिंग अपीयरेंस क्रिएटिंग चार्ट चार्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया प्रिंट किस तरह लेना होता है वो भी यहाँ से फाइल के ऊपर गए और प्रिंट का बटन प्रेस कर दें तो वो आपको ऑप्शन दे देगा ठीक है फिर आ जाए अच्छा ये प्रोटेक्शन का भी है अगर आपने अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें और आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड वो आपसे पासवर्ड पूछ लेगा क्या पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आइंदा आपके अलावा कोई बंदा वो फाइल नहीं खोल सकेगा ठीक हो गया जी इसके अलावा नेक्स्ट है एंट्रिंग टेक्स्ट इन वर्कशीट बड़ा आसान काम है यहाँ पे आप टाइप रखें अपना कर्सर और कुछ भी टाइप करना शुरू कर दें ठीक है इरेज करना है तो यहाँ पे जा डिलीट का बटन दबा दें ठीक है रिप्लेसिंग एडिंग कंटेंट्स ऑफ सेल एंट्रिंग करंट डेट अच्छा करंट डेट करंट डेट डालने के लिए आप याद रखें कंट्रोल और सेमी कॉलन को एक साथ दबाया जाए तो करंट डेट आ जाती है ये मैं करके दिखा रहा हूँ कंट्रोल और सेमी कॉलन मैंने दबाया तो आ गया थर्टी एथ मई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और अगर कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन दबाया जाए तो टाइम आ जाता है रात के ग्यारह बज के नौ बज चुके हैं जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है अब ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक नेम करना सेल सेल को नाम किस तरह दिया जाता है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी आप ले जाएं कर सर यहाँ पे क्लिक करें और नाम अपनी मर्जी का चेंज कर लें वैसे तो इसका नाम L3 है इस सेल का लेकिन आप चेंज कर सकते हैं ठीक है अप्लाइंग नंबर फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग आपको पता है कि फॉर्मेट किस तरह किया जाता है यहाँ से किसी का साइज़ बड़ा करना है ठीक है फॉन्ट कैसे चेंज करना है ठीक है अच्छा स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट आप नीचे देखें काफ़ी सारी वर्कशीट है एक दो तीन आपने जल्दी जल्दी वर्कशीट के बीच में स्विच करना है तो यूँ तो क्लिक कर करके भी कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल और पेज अप पेज डाउन पेज डाउन पेज अप पेज अप ठीक है कंट्रोल पेज अप की मदद से शिफ्ट कर सकते हैं एडिंग न्यू वर्कशीट आपने करना है मैंने बताया कि इसको ऐड करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी डिलीट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके और डिलीट कर दें ठीक है हम एक दोबारा से ऐड भी कर देते हैं तो ये आसान तरीका है अच्छा अभी चेंजिंग नेम अगर इसका करना है तो इसको डबल क्लिक करें और इसकी जगह नाम चेंज कर दें अली लिख लें ठीक है एंटर कर दें नाम चेंज हो गया इसका फिर क्या करना है जी फ्रीजिंग पेन फ्रीजिंग पेन क्या है मिसाल के तौर तो पर मैंने मैं यहाँ पे क्लिक किया और होम पे इन्जर्ट व्यू व्यू में गया और फ्रीज पेंस फ्रीज पेंस को अब आप देखें ये जगह होगी इससे लेफ्ट राइट ये देखे ये अभी ऊपर वाली चीज़ फ्रीज हो चुकी है और लेफ़्ट वाली चीज़ भी फ्रीज फ्रोज़न है मैं लाइट लेके जा रहा हूँ बदीत ठीक है अंदाजा हो गया फ्रीज़ क्या चीज़ होती है तो अभी इसको मैं दोबारा से अनफ्रीज़ कर दूँगा इधर जाके अनफ्रीज पेंस ठीक हो गया अब हम आ जाते हैं इन्ज़र्टिंग रोज़ अगर कोई भी आपने रो ऐड करनी है तो इधर आप ले गए राइट क्लिक किया इन्ज़र्ट रो कर दी अगर कॉलम ऐड करना है इधर आप आए राइट क्लिक किया इंसर्ट किया तो इंसर्ट कॉलम हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे करके दिखाता हूँ राइट क्लिक इंसर्ट ये देखें एक कॉलम इंसर्ट हो गया यहाँ पे करके दिखाता हूँ माउस थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है ये बहरहाल आपको समझ आ गया कि यहाँ पे आपने राइट right क्लिक करना है और इसको इंसर्ट कर देना है तो एक इंसर्ट हो जाता है नेक्स्ट क्या चीज़ हम लोग पहुँचे हैं कॉलम अच्छा ठीक है इनकी हाइट वेट्स वगैरह कैसे चेंज की जा सकती है अगर आपने किसी रो की हाइट चेंज करनी है तो ये रो हाइट पे आ जाएंगे क्लिक करेंगे और वो आपको वैल्यू दे देगा फोर्टीन पॉइंट फाइव ऑलरेडी हाइट चल रही है आप ट्वेंटी लिख दें तो ये आपने देखा कि इसकी हाइट चेंज हो गई ठीक है अब आपने किसी कॉलम की वेट्स चेंज करनी है तो यहाँ पे राइट right क्लिक करेंगे कॉलम विट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी वेट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अंडू uh, करना हो किसी भी चीज़ को तो ये ऊपर से अंडू uh, किया जा सकता है इसी तरह कंट्रोल जेड से भी अंडू किया जा सकता है रीडू करना हो तो इस बटन से वैसे कंट्रोल वाई भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आसान वर्ड के प्रोसीजर से कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अगर आप ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ज़रा ठीक है अभी हम लोग ये इस जगह पे ले आए और होम पे आ गए होम में ये देखें फॉन्ट है अब आपने इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दें इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लें अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लें बिल्कुल वर्ड की तरह ही इसका फॉन्ट वगैरह सारा का सारा चेंज हो जाता है इन्जर्टिंग फंक्शन इन टू फार्मूलाज फार्मूलाज मैंने आपको करना सिखा दिए हैं सम एवरेज मैक्सिमम मिनिमम के कोई भी कोई, कोई लिस्ट के अंदर मैक्सिमम लफ्ज़ है या मैक्सिमम नंबर है मिनिमम नंबर है वो कैसे चेक करना है सेल रेफरेंसेज रिलेटिव एंड एबसलूट ये मुश्किल चीज़ है ये आपको नहीं आएगी कभी क्योंकि डॉलर साइन वगैरह वाला इस्तेमाल क्लासों में नॉर्मली सिखाया नहीं गया सिर्फ इतना बता दूँ रिलेटिव जो होता है और रिलेटिव से बता है मिसाल के तौर पर पी वन जब मैं नीचे खींचता हूँ तो अगला पी टू हो जाता है ठीक है जब डॉलर साइन लगा दिया जाता है तो वो डॉलर पी डॉलर वन लगा लिया जाता है हमेशा इस वाले कॉलम को इस वाले सेल को ही वो मेंशन कर रहा होगा क्रिएटिंग अ चार्ट चार्ट भी मैंने आपको बनाना सिखा दी है और चार्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं वो यहाँ से आप देख लें ये डिफरेंट टाइप्स के हैं आप देख रहे हैं लाइन चार्ट पाई चार्ट एरिया चार्ट वगैरह और फाइनली फ़िल्टरिंग डेटा अगर आपने फिल्टर करना हो तो वो भी यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं कि आपने फ़िल्टर लगाना है तो इस सारे को सिलेक्ट किया और व्यू में चले गए सॉरी रिव्यू डेटा कहाँ पे है फ़िल्टर फिल्टर ये डेटा के अंदर विंडोज़ के फ़र्क की वजह से फर्क आ रहा होता है ये देखें आपने फ़िल्टर लगा दिया अब आपने कोई ख़ास चीज़ फिल्टर करनी है तो आप यहाँ से उसको अन चेक कर दें मिसाल के तौर पे, बाकी का सारा डाटा रह जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा ठीक है इसको कहते हैं फिल्टरिंग जैसे छाननी नहीं होती या कोई फिल्टर कीफ़ लगी होती है उसमें से चीज़ों को फिर इनेबल वर्कशीट अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो भी मैंने आपको करके दिखा दिए तो उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी फ़ायदा देगी थैंक यू अगर आप इस किस्म की मदीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।